सो गाइस सिंपली पहले आप सभी को करना है गाइस बैकग्राउंड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना गाइस वीडियो को देखने बाद गाइस उसके बाद जाना आप सभी का हेड फोटो में और गाइस उसके बाद आप सभी को मॉडल को लेना गाइस ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे गाइस थोड़ा ध्यान से देखना गाइस ठीक है। तो गाइस अपने मतलब आपको अपने बैकग्राउंड को मतलब इस तरीके से इरेज करना है कि गाइस आपके नीचे का एरिया ना जो गाइस थोड़ा उखड़ खावड़ के टाइप में ना इरेज हो ठीक है गाइस एकदम क्लियरिटी में मतलब प्लेन के तरीके से ठीक है। तो मैंने गाइस आपको एकदम अच्छे समझा रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर देख लेना। एंड गाइस उसके बाद जाना आपको एडजस्ट में ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को उसकी ब्राइटनेस को पूरा माइनस कर देना है इन्वर्ट कर देना है एंड ब्रशेज में जाना है एंड जूम करके गाइस आप सभी को शेडो क्रिएट करनी है गाइस ठीक है इस तरीके से गाइस ओके शेडो क्रिएट कर लेनी है। एंड गाइस के बाद आप सभी यहाँ से डन करना है एंड गाइस की ओपेसिटी को आप गाइस कम रखना है ठीक है 70 के आसपास एंड डन करना है ओके गाइस। एंड उसके बाद गाइस आप सभी का क्या काम रह जाता है आप सभी को जाना है एड फोटो में एंड गाइस एक लाइट का पीएनजी लेना गाइस आप सभी को ठीक है उसका भी लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है आप सभी को ठीक है। तो इसको आपने ले लिया एंड इसके बाद गाइज हम इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे स्क्रीन एंड गाइज हमें ये देखिए गाइज ये वाइट है और पीछे हमारे कौन से रिफ्लेक्शन आ रही है गाइज थोड़ा ऑरेंज टाइप का। तो हम जाएंगे गाइज एफएक्स में एंड इसको ऑरेंज कलर में करेंगे तो एंड गाइज जाएंगे कलराइज में एंड इसके ह्यूज में जाएंगे ह्यू में गाइज ठीक है। एंड हम देखेंगे गाइज ये येलो मतलब ऑरेंज और येलो कहाँ हो रहा है तो ये हो गया ठीक है। तो देखिए बिल्कुल मैच हो गया एंड गाइज को हम अपने थोड़ा अपने फेस की तरफ लाएंगे ठीक है एंड करेंगे सिंपली डन। एंड गाइज उसके बाद हमें क्या करना है गाइज उसके बाद जाना हमें दोबारा टूल्स में ठीक है टूल्स में जाना है एंड गाइस एडजस्ट में जाना है एंड कर देना नीचे मतलब ब्राइटनेस पूरी एंड गाइस इन्वर्ट करना है एंड गाइस ब्रशेस में जाना है एंड साइज को बड़ा करना है हार्डनेस को कम करना है एंड गाइस जूम करें गाइस आप सभी इधर इस तरीके से पेंट करना है गाइस ठीक है इस तरीके से एंड डन करना है गाइस ठीक है। एंड उसके बाद गाइस कलर करेक्शन हम इसी में करेंगे तो फिर दोबारा जाएंगे टूल्स में ब्राइटनेस को थोड़ा कम करेंगे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे ठीक है बढ़ाएंगे गाइस थोड़ा सा एंड क्लियरिटी को भी बढ़ाएंगे थोड़ी सी ठीक है एंड सैचुरेशन को भी बढ़ाएंगे ठीक है गाइस। एंड उसके बाद गाइस हाइलाइट्स में जाएंगे एंड हाईलाइट्स को नीचे करेंगे गाइस ठीक है। एंड शेडोज़ में जाएंगे शेडो को भी थोड़ा कम करेंगे ठीक है गाइस एंड करेंगे डन ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे एफएक्स में एंड गाइस कलर में ही जाना है गाइस ठीक है। एंड ये आप सभी को सैचुरेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे इसमें जाना है एंड गाइस आप सभी को उसका अमाउंट को रखना है गाइस 760 के आसपास रखना है गाइस ठीक है 60 के आसपास रखना है डन कर लेना गाइस ठीक है सिंपली। एंड उसके बाद गाइस आप सभी का क्या काम रह जाता है ये देखिए आफ्टर एंड बिफोर ठीक है एंड ये देखिए गाइस ठीक है। तो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।